एगो घर पे एक एगो खिला और उबरते ना वो सिलावे ला दे ले या। उबर गए तो फिर दिए लग जाए। फिलहाल एगो घर पे एक हाँ एगो घर पे एक आदमी एक आदमी एगो लिए पाँच अगस्त को हमारे कुछ देवधा पूरे देवधे के युवाओं द्वारा जो बिहार राज्य मधुबनी जिला का एक छोटा सा गांव जयनगर के निकट स्थित है देवधा, जिसे देवधाम के नाम से भी जाना जाता है, तो युवाओं के द्वारा छतों के ऊपर और पूरे रोड के किनारे भगवा झंडा लगाया। उसके बाद कुछ युवाओं ने गांव के ही श्री राम जानकी मंदिर के शाम के समय दीप जलाए और सभी ने बहुत ही उत्साह से जब 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ राम मंदिर में, तो उस खुशी में गांव के बहुत सारे हमारे गांववासी और जो भगवान से प्रेम ईश्वर से प्रेम करते हैं वो आके शाम में दीप जलाएं। और कुछ युवाओं ने तो इतना गजब कर दिया कि जय श्री राम लिख के उस जय श्री राम पे दीपों से इतना अच्छा तरीका से सजाया कि जैसे लग रहा था कि सच में कुछ अजीब और कुछ अनोखिक कार्य हो रहा है। ये एक यादगार पल रहा और रहेगा ही। और दूर से आया आगे से नहीं रहेगा ही। और बहुत ही उत्साह से पूरे देश में भी मनाया गया उस राम जानकी मंदिर को। पूरी लाइट से, आर्टिफिशियल लाइट से सजाया गया था। जय श्री राम जो लिखा गया था वो देखने में अति सुंदर और मोहित लग रहा था। राम मंदिर का ये नज़ारा है, यानी राम श्री राम जानकी मंदिर का नज़ारा है। और उसके बाद जब दीप जलाने की कार्यक्रम ख़त्म हुई तो कुछ युवाओं ने और गांववासियों ने पटाखे की ये गूंज पूरे योद्धावासी को सुनाई और बहुत सारे पटाखे उन्होंने फोड़े, जो बहुत ही यादगार रहेगा। ऐसा पल शायद कभी आएगा, क्योंकि ये पल एक ऐतिहासिक पल रह जाएगा कि याद ही रहेगा। कोई कहेगा कि अपने पोता पर पोता को कि मैंने राम मंदिर का शिलान्यास होते हुए देखा, उसके खुशी में मैंने अपने गांव में ये पटाखा फोड़ा। ये उनका हर्षोल्लास रहेगा मन में, जिससे वो हमेशा याद और खुशी के भावना से अपने गांव में झूम उठेंगे, कभी भी चर्चा होगी। और बहुत सारे छोटे से छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये श्री राम जानकी मंदिर पे हर्षोल्लास के साथ राम जन्मभूमि का पूजन हुआ 5 अगस्त को, वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया।